दिवसीय कार्यशाला के तीसरे दिन के इस वैलिडेटरी सत्र में मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस त्रिदिवसीय ऑनलाइन कार्यशाला में हम सभी विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट और इमेज रिसोर्सेज के द्वारा अपने ज्ञानवर्धन को और अपने शिक्षण अधिगम को अभिवृद्ध करने के लिए अग्रसारित थे। अब इस वैलिडिटी सत्र को शुरू करने से अग्रसारित थे और उस अग्रसरण में हमने क्या पाया, ये हम इस सत्र में विवेचन करने का प्रयास करेंगे। सत्र की शुरुआत में मंगलाचरण से करूंगा। ओम यामि दाम देव गणा पितृश उपासते तया माम अधिमेधना अग्निमेधाविनम गुरु। ओम विश्वामि देव सवितर दुरितानि परासव यद्भद्रं तन्मे आसव। ओम अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्योर्मामृतं गम्य। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब इस कार्यशाला में, यह कार्यशाला 3 दिवस तक आयोजित की गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल मीट के द्वारा। गूगल मीट के संसाधनों का प्रयोग करने के पश्चात हमने 8 टेक्निकल सेशन में 3 सेल्फ प्रैक्टिस सेशन और 3 क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से अपने प्रतिभागियों को उनके द्वारा टेक्स्ट और इमेज रिसोर्सेज को डिजाइन और डेवलप करने में जितना हम कर सकते थे भरसक प्रयास किया कि वे भी सीखें। और इसके माध्यम से जितने हमारे रिसोर्स पर्संस थे उन सभी ने अपना जो ज्ञान यज्ञ है, इस ज्ञान यज्ञ में अपनी आहुतियां देकर इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। अब इस क्रम में मैं हमारी परियोजना अध्यक्षा जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि वे इस ज्ञान यज्ञ से प्राप्त अभिष्ट को प्रस्तुत करने के लिए आगे आए और जो हमारे मंचस्थ उपस्थित अतिथि हैं उनका भी स्वागत करें। धन्यवाद जितेंद्र। सभी को नमस्कार। परम आदरणीय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर रमेश कुमार पांडे जी, परम आदरणीय शिक्षा संकाय प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के भरत भूषण जी, सत्र संचालक जितेंद्र जी और सभी उपस्थित मेरे प्रिय प्रतिभागीगण, इस समापन सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं अभिवादन करती हूँ। अपने अमूल्य सुझावों एवं मार्गदर्शन से केंद्र के सभी क्रियाकलापों की प्रगति में गति प्रदान करने वाले हमारे यशस्वी कुलपति महोदय जी का मैं इस कार्यशाला के समापन सत्र में केंद्र की तरफ से सभी 193 पार्टिसिपेंट की तरफ से और अपनी तरफ से सर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और मैं अपने जो विभागाध्यक्ष और संकाय प्रमुख हैं प्रोफेसर के भरत भूषण जी, उनका भी इस समापन सत्र में हार्दिक स्वागत करती हूँ। और इस 3 दिवसीय ज्ञान यज्ञ में अपने सक्रिय प्रतिभाग से अब इसमें प्रतिभाग किया वह उन सभी 193 पार्टिसिपेंट्स जो कि कुछ इसमें से अभी उपस्थित हैं कुछ नहीं हैं, उन सभी का भी मैं इस समापन सत्र में केंद्र की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की जो हमारी 3 दिवसीय जो कार्यशाला रही है उसका जो हमारा प्रतिवेदन और जो हम लोगों ने सीखा उसको मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से जो है वो प्रस्तुत करना चाहूंगी। तो आज की जो हमारी 3 दिवसीय कार्यशाला रही उसको अगर हम संक्षिप्त रूप में उसका प्रतिवेदन अगर प्रस्तुत करना चाहें तो हम सभी जानते हैं कि इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य था वह सभी प्रतिभागियों को टेक्स्ट और इमेज ई रिसोर्सेज से संबंधित सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देना और उनके प्रयोग संबंधी दक्षताओं का विकास करना था। इस कार्यशाला में जो टोटल एनरोलमेंट थी वो 423 प्रतिभागियों ने एनरोल किया, जिसमें से हमने
235 को स्क्रीनिंग के माध्यम से कंफर्म किया और उसमें हमारे 193 पार्टिसिपेंट्स ने कंटिन्यू किया और 43 ने लेफ्ट। अगर हम प्रतिभागियों का विश्लेषण भौगोलिक दृष्टि से करें तो हमारे पास 20 राज्य और 3 जो हैं यूटी से प्रतिभागियों ने इसमें प्रतिभाग किया और उसका मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहूंगी। अगर हम इसको देखें तो 4 जो हैं प्रतिभागी आंध्र प्रदेश से, 4 असम से, 7 बिहार से, 3 छत्तीसगढ़, 2 गुजरात, 14 हरियाणा से, 6 झारखंड, 1 कर्नाटक, 3 केरला, 12 मध्य प्रदेश, 12 महाराष्ट्र, 10 उड़ीसा, 6 पंजाब, 7 राजस्थान, 1 तमिलनाडु, 1 त्रिपुरा, 8 उत्तराखंड, 48 उत्तर प्रदेश, 5 वेस्ट बंगाल, 35 दिल्ली और 1 जम्मू कश्मीर और 1 पांडुचेरी। मेरे ख्याल अभी तक हमारे जितने भी कार्यशालाएं हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा राज्यों से इस कार्यशाला में प्रतिभाग हमारे प्रतिभागियों ने किया। आगे अगर हम प्रतिभागियों का विश्लेषण उनके डेजिग्नेशन वाइज करें तो इस कार्यशाला में 13 एसोसिएट प्रोफेसर, 119 असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 प्रिंसिपल, 9 लेक्चरर्स, 4 गेस्ट फैकल्टी और 46 शोधार्थियों ने प्रतिभाग किया। अगर इस विश्लेषण को हम विषय वाइज करें तो 18 विषयों से प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया, जिसमें शिक्षा, इंग्लिश, हिंदी, वास्तुशास्त्र, संस्कृत, गणित, दर्शन, फिलॉसफी, न्याय, व्याकरण, मनोविज्ञान, ज्योतिष, मराठी, व्याकरण, अरेबिक, गुजराती, साहित्य, सर्वदर्शन, योगा और पाली से हमारे जो विषय वाइज जो हैं प्रतिभागी रहे। जेंडर वाइज अगर हम एनालिसिस करें तो 102 जो हैं मेल और 91 जो हैं फीमेल प्रतिभागी रहे। इस 3 दिवसीय कार्यशाला में कुल 12 सत्र थे, जिसमें उद्घाटन और समापन सत्र तकनीकी डिमॉन्स्ट्रेटिव सेशन के रूप में और फिर स्व अभ्यास सत्र रहे और हर एक दिन हमारा प्रत्येक दिन जो था Q&A क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस, जिसमें प्रतिभागियों के द्वारा जो है सत्र से संबंधित उनके जो प्रश्न हैं जो रिसोर्स पर्सन के द्वारा लिए गए और आज का जो हमारा अंतिम सत्र था उसमें फीडबैक और असेसमेंट प्रतिभागियों से ली गई। अगर हम इस 3 दिवसीय कार्यशाला के जीवन वृत्त को कुछ झलकियों से प्रस्तुत करना चाहूंगी, शुरू से आखिरी दिन कुछ स्क्रीनशॉट्स हम लोगों ने लिए हैं उसे ही प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस कार्यशाला के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स क्या निकल कर आया उसको संक्षिप्त रूप में जो है मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी कि हमारे प्रतिभागी जो कि हमारे टेक्सचुअल रिपोजिटरीज के बारे में जो कि मुख्य रूप से जिसमें NEORER जो कि NCERT का है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, और शोध गंगा, स्वयं आदि के बारे में हमारे प्रतिभागी जो है परिचित हुए। इसके साथ साथ acquaintance with various open source learning material जैसे Galileo, MIT, open courseware, इनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। acquaintance with various additional learner support such as edX, Coursera, Udemy, Udacity, etc. इनके बारे में भी हमारे प्रतिभागियों ने जाना। साथ ही साथ किस तरह से knowledge construction tools क्या क्या हैं, जिसमें मुख्य रूप से Google Slides, Google Docs, Polaris Office, WPS Office और Google Sheets के बारे में प्रतिभागियों ने जाना, और जो विभिन्न apps, softwares हैं जैसे मुख्य रूप से Concept Map, Word Cloud, Padlets और Infographics के अभिकल्पन और विकास के लिए, उनके बारे में भी हमारे प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला के माध्यम से जाना। इसके साथ साथ Design and Create Word Cloud through Mentimeter और Word Cloud App, डिजाइन एंड क्रिएट डिजिटल पोस्टर्स प्रतिभागियों ने बनाए बाय यूजिंग पेडलेट, और डिजाइन और क्रिएट कंसेप्ट मैप थ्रू सी मैप टूल,
डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग पोस्टर्स थ्रू कैनवा सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग एडिटिंग इन्फोग्राफिक्स एज ई रिसोर्सेज। तो इस तरह से हमारे प्रतिभागियों ने इसके अलावा भी आज के जैसे हमारे सत्र में काफी जो इमेज ई रिसोर्सेज को कैसे एडिट किया जाता है, कैसे उन्हें क्रिएट किया जाता है और कैसे उन्हें हम अपने अनुरूप उसको एक रूप और स्वरूप प्रदान कर सके, ये भी हमारे प्रतिभागियों ने जाना, सीखा और उसे अपने जो उनके सेल्फ जो प्रैक्टिस सेशंस थे उनमें उन्होंने किया भी। और इस 3 दिन की जो हमारी ज्ञान यज्ञ चला उसमें अपने जो कुशल मार्गदर्शन जिन विषय विशेषज्ञों ने दिया उसमें मुख्य रूप से प्रोफेसर रमेश शर्मा जी, वंदना पुनिया जी, डॉक्टर प्रवीण कुमार जी और मिस चंदा जैन राय और मैंने भी एक सत्र में प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। अब जो हमारे जो पर्सन आए उनके बारे में जो हमने ऑनलाइन फीडबैक लिया अपने प्रतिभागियों से, उसमें हमारे प्रतिभागियों ने हमारे द्वारा जो आमंत्रित विषय विशेषज्ञ थे उन्हें 66% आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में, 27% वेरी गुड में, 6% गुड में और 1% सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में रखा। इसके साथ साथ प्रतिभागियों का ऑनलाइन असेसमेंट भी किया गया जिसमें पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने 60% से ऊपर परफॉर्म किया उनका प्रतिशत है 77.5%। इस कार्यशाला के का ऑनलाइन फीडबैक भी 10 बिंदुओं में लिया गया और उन 10 बिंदुओं के 5 श्रेणियों में लिया गया। पहला बिंदु था कि एक्सटेंट टू विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्कशॉप हैज बीन अचीव्ड, उसमें प्रतिभागियों ने 66% एक्सीलेंट में, 31% वेरी गुड में, 3% गुड कैटेगरी में। दूसरा बिंदु था हेल्पफुल इन अपग्रेडेशन ऑफ योर करंट नॉलेज अबाउट द टेक्स्ट एंड इमेज ई रिसोर्सेज, इसमें हमारे प्रतिभागियों ने 62% उत्कृष्ट श्रेणी में, 31% अति उत्तम और 6% उत्तम और 1% जो है संतोषजनक श्रेणी में रखा। तीसरा बिंदु था हेल्पफुल इन फेमिलराइजिंग विद वेरियस टूल्स एप्स एंड सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपिंग टेक्स्ट एंड इमेज ई रिसोर्सेज, इसमें 64% एक्सीलेंट में, 32% वेरी गुड, 4% गुड। और चौथा बिंदु था हेल्पफुल इन अपग्रेडिंग योर स्किल्स रिलेटेड टू डिजाइनिंग ऑफ वेरियस टेक्स्ट एंड इमेज ई रिसोर्सेज, इसमें 58% एक्सीलेंट में, 37% वेरी गुड, 4% गुड और 1% सेटिस्फैक्ट्री में। पांचवा बिंदु था हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग एटीट्यूडनल चेंज टुवर्ड्स डेवलपिंग टेक्स्ट एंड इमेज रिसोर्सेज, जिसमें 55% एक्सीलेंट, 40% वेरी गुड और 5% गुड श्रेणी में। छठा बिंदु था हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इनसाइट फॉर डेवलपिंग टेक्स्ट ई रिसोर्सेज, इसमें 55% एक्सीलेंट, 40% वेरी गुड और 5% जो है वो गुड श्रेणी में रखा। सातवां बिंदु था हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इनसाइट फॉर डेवलपिंग इमेज ई रिसोर्सेज, इसमें 55% एक्सीलेंट, 39% वेरी गुड, 5% गुड एंड 1% इन सेटिस्फैक्ट्री। आठवां बिंदु था वर्कशॉप मैनेजमेंट कार्यशाला प्रबंधन, 63% एक्सीलेंट, 13% वेरी गुड और 7% गुड। असिस्टेंस गिवन बाय टीएलसी टीम, 62% एक्सीलेंट में, 30% वेरी गुड और 8% गुड में। और ओवरऑल असेसमेंट ऑफ दिस ऑनलाइन वर्कशॉप 71% एक्सीलेंट में, 23% वेरी गुड और 6% गुड में प्रतिभागियों ने दिया। और अगर हम इन 10 बिंदुओं का ओवरऑल एक औसत निकालें इन 5 श्रेणियों में तो हम पाएंगे कि 62% एक्सीलेंट में, 33% वेरी गुड में, 5% गुड में और 0% सेटिस्फैक्ट्री में और अनसेटिस्फैक्ट्री में 0। मेरे ख्याल 1% हमारा सेटिस्फैक्ट्री में आएगा क्योंकि 2 बिंदुओं पर 1% जो था वो था। और इसके साथ हम लोगों ने सभी प्रतिभागियों से उनका इस कार्यशाला में क्या अनुभव रहा वो भी हमने मेंटीमीटर सॉफ्टवेयर जो है उसको लेकर टूल को हमने जिसमें 145 प्रतिभागियों ने अपना जो एक्सपीरियंस था उसे एक शब्द में व्यक्त किया। और अगर हम इस चित्र को देखें जो कि एक वर्ड क्लाउड है, इसमें जो बीच में जो अक्षर आ रहा है एक्सीलेंट, मतलब ज्यादा से ज्यादा 145 प्रतिभागियों ने ज्यादा से ज्यादा इस कार्यशाला में जो उनका अनुभव रहा
उसे उत्कृष्ट श्रेणी में, एक्सीलेंट श्रेणी में रखा। और अगर हम इस चित्र के और आउटर की तरफ जाएं तो वेरी गुड ज्यादा उभर कर आ रहा है। इंफॉर्मेटिव रही कार्यशाला, गुड रही, वंडरफुल रही, वेरी इंफॉर्मेटिव। और जो लास्ट में है वो एक एक दो दो जो लोगों ने अपने अनुभव दिए, सारों को पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से उभर कर जो आपके अनुभव इस कार्यशाला से आए, वे यह बता रहे हैं कि यह कार्यशाला जिस उद्देश्य से आयोजित की गई थी उस उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रही। इसके लिए मैं अपनी संपूर्ण जो हमारी TLC टीम है उसको धन्यवाद भी देना चाहूंगी। और जो उन्होंने रात दिन जो हमारे साथ जो मेहनत उन्होंने की, और इस तरह से हमने पहली बार जो है ऑनलाइन अपना प्रोग्राम किया और हम उसमें सफल भी रहे, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी। और प्रतिभागियों से भी कहूंगी कि वह उनके सम्मान में क्लैपिंग करके चैट बॉक्स के द्वारा उनका सम्मान जो है वो प्रस्तुत करें। आशा करती हूँ यह कार्यशाला द्वारा आपका तकनीकी ज्ञान और कौशल अवश्य ही संवर्धित होगा और आपको डिजिटली और तो आज की जो हमारी परिस्थिति चल रही है, मैं अंत में यही कहना चाहूंगी कि आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने छात्रों का ध्यान रखें और जो भी यहाँ से सीख रहा है उसका अभ्यास जो है वो निरंतर करते रहें। इससे संबंधित कोई भी आपको समस्या आती है आप व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा, उस समस्या का हम समाधान करेंगे। और आगे वाली कार्यशाला में भी आप लोगों को मैं आमंत्रित करती हूँ और भविष्य के लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। You also stay safe, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Amita ma'am. It was wonderful. Thank you. And Jitendra sir too. Thank you, ma'am. Thanks a lot to all of you. अभी जो है हमारे साथ हमारे जो है कुलपति जी हैं अध्यक्षीय भाषण के लिए, तो उनका मार्गदर्शन हम लेंगे, तो कृपया जो है आप हमारे साथ रहें। एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। जैसा कि आप सभी विदित हैं, मैं सर्वप्रथम अमिता मैम को धन्यवाद देता हूँ कि कुलपति जी के मार्गदर्शन और डीन सर के सहयोग और आपके उत्तम नेतृत्व से हम ये कार्य कर पाए और हम आगे भी और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। अब हम जो है गौरवान्वित हैं कि आज के हमारे इस समापन सत्र में मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष के रूप में हमारे माननीय कुलपति जी हमारे साथ हैं। जैसा कि उनके व्यक्तित्व से आप हमारे सत्र में परिचित मैंने आपको कराया था, तो अब जो है आप जानते हैं कि वो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ हैं, वो विभिन्न ज्ञान की विधाओं के मर्मज्ञ हैं और साथ ही साथ जो है हमेशा प्रोत्साहन में आगे रहते हैं और सर्वे भवन्तु सुखिनः का धीरे कर वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो चार पंक्तियां कह के मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वो जो है हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। आप हैं हमारे विश्वविद्यालय की शान, आप हैं हमारे विश्वविद्यालय की शान, आपने बढ़ाया है हमारे विश्वविद्यालय का मान, सर्वे भवन्तु सुखिने का धीरे कर आप दूर करते हैं समस्त व्यवधान, आपके आप अपने आशीर्वचनों से करें हमारे लिए पाथे का निर्माण, करें हमारे लिए पाथे का निर्माण। आइए सर। बहुत सुंदर। वागर्थाविद संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर। चलिए सबसे पहले माननीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर भारत भूषण जी को मैं अभिवादन करता हूं और विशेष स्नेह देता हूं इस कार्यक्रम की संयोजिका TLC की निदेशिका श्रीमती प्रोफेसर नीता पांडे भारद्वाज जी को, और उसके बाद इसके कुशल संयोजक, सहृदय संयोजक, सरस संयोजक जितेंद्र जी और समस्त प्रतिभागी जन। सचमुच में ये हर्षोल्लास का क्षण है। लगातार 3 दिनों से आप इस तंत्रिका विज्ञान के माध्यम से
अपना प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर रहे थे और जो ऐसा विषय रखा गया था इस कार्यक्रम का जो नितांत उपयोगी है हमारे अध्यापकों के लिए, और आज के दिन में जिस अध्यापक में यह कुशलता नहीं है उसका ज्ञान कुएं के जल की तरह है। कुएं का जल पहले कुएं से बाहर निकाल करके लोगों को दिया जाता है तब वो उनकी प्यास बुझाता है। आज की स्थिति ऐसी है कि अगर हमारे पास ये विधा नहीं है, इसमें हमारी कुशलता पारंगतता नहीं है, तो हम अपने ज्ञान का विस्तारण नहीं कर सकते हैं, जहां पहुंचना चाहिए उसका संक्रमण ठीक से नहीं कर सकते। और जिसके पास ये विधा है, जो इस बात को जानता है, वह सफल है। और मैंने देखा कि किस तरह से ये गोष्ठी, हर गोष्ठी में प्रायः 20, 25, 40, 50 तक प्रतिभागी हुआ करते थे, और इसमें लगभग 200 के आसपास, 190, 94, 95 के आसपास प्रतिभागियों ने भाग लिया। और आज इस समय इसके समापन सत्र में भी मैं देख रहा हूं कि 158 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। तो सचमुच में इस काल में, विपत्ति काल में, ज्ञान के वितरण का ये सर्वोत्तम साधन है और बड़ा प्रभावी भी है। और मैंने देखा कि किस कुशलता से अमिता पांडे भारद्वाज जी ने पूरा विश्लेषण प्रस्तुत किया हमारे सामने, किस तरह से कितने सत्र हुए, और लोगों का फीडबैक फॉर्म जब प्रस्तुत कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि सचमुच में कि लोगों ने बड़े उत्साह से इस कार्यक्रम में भाग लिया। यद्यपि उनके खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी, यह साफ साफ अनुभव हो रहा था। तो आगे आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि यही सर्वोत्तम विधि होगी कि हम अपने घर से बैठे बैठे दूर में रह रहे विद्यार्थियों को भी अपने ज्ञान से लाभान्वित कर सकेंगे। और ये सब साधन व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, ज्ञान को और निष्णात करने के लिए है। जो व्यक्ति जितना निष्णात होता होगा उतनी प्रभावशाली होता है, तो हम सब जानते हैं। एक कवि की कविता है, मैं इस कविता को, क्योंकि जितेंद्र जी बहुत कविता सुनाते, तो आज मैं अपनी कविता नहीं, किसी और की कविता। इस कविता का शीर्षक है कसौटी। जो चट्टानों से न टकराए वो कब झरना बनता है, उलझते टकराते इन राहों में ये झरना हर पल छरता है, दुस्सह थपेड़ों को सह कर बाधाएं पार जो करता है, वही जीवन के अभिनव पथ पर लक्ष्य शिखर को पाता है। कठिन डगर की आग में तप कर कर्म हथौड़ों से सजता है, दिन रात कसौटी पर को खरा वही स्वर्ण समान चमकता है। तो ये सारी परिस्थितियां व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए है। बहुत अच्छा लगा, आप सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा ये इस कार्यक्रम की सफलता से, यह हम अनुमान लगा सकते हैं इसका। और ये जो महामारी चल रही है, करने के लिए महामारी है, जो तकलीफ में है, बीमार है, उनके लिए है, सीखने वालों के लिए हर क्षण सीखने का होता है। विपत्ति में भी व्यक्ति सीखता है, और हमारे भारतीयों की जो विशेषता है, उनके ऊपर कष्ट आता है, विपत्ति आती है, तो उसे अनेक मार्ग प्रस्तुत करते हैं और बहुत कुछ अनुभव करते हैं, सीखते हैं, और सीख कर कुछ नया करने का साहस भरते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति की एक विलक्षणता है। आज की जो परिस्थितियां हैं, हमें ये इस बात का ध्यान रखना है कि हम स्वयं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अपने घर परिवार के जो संबंधी हैं उनको स्वस्थ रखें। इतना ही नहीं, जो हमारे आसपास में लोग रहते हैं, हमारे जो परिजन हैं, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करना हमारा कर्तव्य होता है। क्योंकि बहुत कुछ चीजें अज्ञानता बस, बहुत कुछ चीजें असावधानी बस घटित हो जाती है। ये सारी चीजें ना होने पाए, इसका भी आप सबको ध्यान रखना है। और आज आपके कार्यक्रम को संपन्न करके जा रहे हैं, प्रमाण पत्र भी कदाचित ऑनलाइन या जैसे भी वो हमको मिलेगा इस कार्यक्रम का, लेकिन ये जरूर आते रास्ते में सहायक होगा। आपकी यात्रा, जीवन यात्रा अच्छे से चले, इसके लिए जरूरी है जो मानवीय चेतना है, जो मानवीय मूल्य है, उनकी रक्षा होनी चाहिए। आपका जीवन एक अध्यापक का जीवन है,
ये तो आपकी विशेषता है, लेकिन ये उसमें सुगंधि तब आएगी जब उसमें मानवीय मूल्य होंगे। और मैं आप सब लोगों को जानता हूं, चूंकि आप लोग इस विधा से जुड़े हुए हैं, सब लोग भारतीय परंपराओं को जानते हैं और मानवीय मूल्यों से सुसज्जित भी हैं। फिर भी आज का जो अवसर है इस समय मुझे ये कहने के लिए विवश करता है ये कि ये जो कोरोना नामक COVID-19 जिसके चलते हम सब लोग घरों में बैठ करके अपने ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी विपत्ति भी है समाज के लिए, देश के लिए, संस्कृति और सभ्यता के लिए भी है। इससे अपने को बचना है और अपने जो लोग हैं उनको भी बचाना है, इस तरह के भाव रखना है। हमारे यहाँ सुभाषित में कहा गया है कहीं, जीवयन जीवयति यो हि ज्ञाति जनम परिजनम सुहृदश्च तस्य सफला गृहश्री ही दिग अनुजीव्याम समृद्धिम। अर्थात जो व्यक्ति खुद जीवित रहते हुए अपने जो ज्ञाति जन है अर्थात सगे संबंधी हैं, बांधव हैं उनको, और जो परिजन हैं उनको, सुहृदश्च और जो अपने मित्रगण हैं उनको जीवयति, जीवन जीवयति यो हि ज्ञातिजनम परिजनम सुहृदश्च तस्य सफला गृहश्री ही, उसकी गृह की लक्ष्मी जो है, गृह लक्ष्मी तभी सफल मानी जाती है जब इतना वो करता है, खुद जीवित स्वयं जीवित रहे और दूसरे को जीवन दे, माने जियो और जीने दो, ये जो सिद्धांत है भारत का वह वस्तुता है। और धिक अनुपजीव्याम समृद्धिम, वह समृद्धि वह धन संपदा जो दूसरे को जीवन प्रदान करने में सहायक नहीं उसे धिक्कार है, ये कहा गया है। इसलिए आप सब लोग भी आपके आसपास जो लोग हैं विपन्न हैं परेशानी में हैं उनकी थोड़ी मदद करिए, जितना सामर्थ्य में उतनी मदद करिए, तभी ये सारा ज्ञान और ये सारी जो पढ़ाई लिखाई है, ये तंत्र ज्ञान है, ये सब सफल है। ये सब तो माध्यम है, वस्तुतः जो जीवन का उद्देश्य है वो यही है, सन्मार्ग पे चलना, सत्कर्म करना और उस परम गंतव्य को प्राप्त करना जो भारतीय पुरुषार्थ में अंतिम पुरुषार्थ के रूप में कहा गया है। तो बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम को जिस तरह से आप लोगों ने चलाया, मैं पूरी जो TLC टीम है उसको बधाई देता हूँ, विशेष रूप से निदेशिका मैडम अनिता भारद्वाज जी को और संयोजक महोदय को, और विशेष रूप से विभागाध्यक्ष है, संकाय प्रमुख है प्रोफेसर भारत भूषण जी, उनको बधाई देता हूँ। आप सब लोगों के लिए अनेकशः शुभकामनाएं, आप लोगों का जीवन उज्ज्वल हो, मंगलमय हो और आप लोगों की कामना पूर्ण हो, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद माननीय कुलपति जी आपके आशीर्वचनों के लिए और आपके पाठे के लिए। हम निरंतर प्रयास करेंगे कि हाँ उसके ऊपर चलकर समाज में अपने सेवा भाव को भी उत्कृष्ट कर सके। धन्यवाद, बहुत सुंदर, धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को परिणत करने के लिए मैं हमारे विभागाध्यक्ष प्रोफेसर के भरत भूषण जी से अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापित कर कार्यक्रम को परिणत करने में सहयोग करें। माननीय सभा में उपस्थित प्रणाम और विशेष रूप से हमारे यशस्वी कुलपति जी को शतशः प्रणाम। मित्र लक्षण कहते हैं पापान निवारयति योजयते हिताय गुह्यं निगृहति गुणान प्रकटीकरोति आपद्गतं च जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षण इदं प्रवदन्ति संतः। ये श्लोक है आज कंप्यूटर युग में कंप्यूटर के साथ कितना सहज है, सार्थक है। पापान निवारयति, विस्मरण भी एक पाप है, हमारा कंप्यूटर स्मरण करा देता है सर, ब्लिंकिंग करके याद करा देता है। योजयते हिताय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा
हमारा हित को योजन करता है, गुख्यम को पासवर्ड डाल के उसको हमारा रक्षा भी करता है, गुणान वर्ल्ड वॉब द्वारा हमारा गुणा सभी का गुणों का प्रकाश दिलाता है। कनेक्टिंग और ब्लिंकिंग वेबसाइट में जाएंगे, सबसे पहले ऊपर ब्लिंक होता है, उसको पहले माम अवलोकयतु सर्वप्रथम आदो मह्यम अवलोकयतु इति अतः सूचना ददाति ददाति काले अतः संगणकोपि सन्मित्र लक्षण विदं प्रवदन्ति सद्धः इति। मैडम ने बताया लर्निंग आउटकम्स है, इसमें फ्लेक्सिबल प्रोसेस है, स्टूडेंट सेंट्रिक हो गया है, लर्नर अटानमी हो गया है, इस कार्यक्रम से लर्नर अटानमी हो गया है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्नर जरूर हो गया है सर, और कोऑपरेटिव सामूहिक अध्ययन से कोऑपरेटिव लर्निंग हो गया है, लर्नर पार्टिसिपेशन इन लर्निंग से हम एक्सपोजर हुआ है, इंडिविजुअल लर्निंग रोड्स हुआ है, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल फोकस हुआ है, और इतनी सारी फैकल्टी मेंबर्स, अलग अलग फैकल्टी मेंबर्स और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस को कैसे हैंडल करें, वो भी ऐसे ऑनलाइन टीचिंग में बहुत उपयोगकारी, इन सभी का सोर्स का आधारभूत आप है, इन सभी का कारणकर्ता आप हमारा विद्यापीठ के यशस्वी कुलपति है, आप दीर्घायु स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और हम सभी को प्रेरित करते रहे, आपको सभी की तरफ से मैं हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं सर, आदो। वाह बहुत सुंदर। इसके आगे सर इस कार्यक्रम में जो प्रोफेसर्स आए हैं, एक्सपर्ट्स हैं, रमेश कुमार सर, रमेश शर्मा जी, वंदना पुनिया मैडम, चंद्रा जैन, प्रवीण कुमार जी हैं, हमारे टीएलसी के डायरेक्टर प्रोफेसर अमिताभ पांडे भारद्वाज सर, एक्सलेंट कोऑपरेशन है, एंड सेशन कोऑर्डिनेटर जितेंद्र और टीएलसी ऑल मेंबर्स एंड सपोर्टिंग स्टाफ इनडायरेक्टली एंड एवरीवन इन नॉट लेस नॉट टू लीव, हमारा पार्टिसिपेंट्स हैं, वेरी इफेक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सभी को भी मैं हृदय से लाल बहादुर शास्त्री नेशनल साइंस यूनिवर्सिटी की तरफ से विभाग के पक्ष में आत्मनः सभी को मैं हृदय से एक बार धन्यवाद देते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ, धन्यवाद। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा मैडम, बहुत बधाई, बहुत अच्छा। आगे आगे का कार्यक्रम क्या है? धन्यवाद सर। आगे सर इसमें वीडियो और ऑडियो पर करेंगे, यही ई रिसोर्सेस के ऊपर नेक्स्ट, वो भी 3 डेज है, वीडियो कैसे बनाई जाती है और ऑडियो। मुझे लगता है कि लोगों ने ये नहीं पूछा कि अगला प्रोग्राम कब कर रही है मैडम, क्योंकि प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल था आपका, ये तो निरंतर इस तरह के प्रोग्राम करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए। हाँ, हाँ। हम लोगों को भी इनविटेशन आते जाना चाहिए सर, ये तो जरूर आपको तो इनवाइट करेंगे आप तो हमारे हमारे परिवार का हिस्सा बन गए गणना लग चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, आप तो हमारे हर ऑफलाइन भाग ले बहुत अच्छा लगेगा सर, इस बार यूनिवर्सिटी में जाके सीखने का इच्छा है, वो भी समय आएगा, वो भी समय आएगा, हमेशा कोरोना नहीं रहेगा, आप आइए विश्वविद्यालय में स्वागत है, परिसर में ऐसे भी कभी घूमने चले आइए, दिल्ली आते हैं तो दिल्ली में दिल्ली रहते हैं तो भी क्या चिंता है, विद्यापीठ तो है, चलिए बहुत अच्छा है, बहुत शुभकामना मैडम और बहुत फिर से एक बार बधाई, फिर मिलते एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अच्छा लगता है, बहुत बहुत धन्यवाद।